अगर आपने आपने गलती करी ना तो देख बिल्कुल मुकदम हो जाएगा। सबसे पहली बात अजान बिल्कुल बंद है, अजान में होगी बिल्कुल भी एल जी साहब बोल रहे हैं। नहीं अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिजी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एल जी साहब ने, अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। नहीं रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी। एल जी से लड़ो, एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि पांच आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, पांच से ज्यादा नहीं। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें, हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब एलजी का ऑर्डर दिखाओ, लाके ऑर्डर देख जाओ। रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? अपने मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें, इसमें एक ही तो है ना? सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं रोज समाचार, देख रहे हैं समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। पांच आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन पांच का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी, अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप, अजान नहीं होगी भाई। हाँ भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? आप इससे पहले कभी बोला आपको? तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं होती, अजान से पहले किसी बोला कभी आपको? नहीं अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू, अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हमें है ना, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी, सबको है प्रॉब्लम, सबको है जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। अगर थाने में जाओ ऑर्डर दे जाओ, मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं। मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना, आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ आप बोल रही हूँ मोबाइल नीचे कर लूंगा, हाँ कोई नहीं, एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ रहा हूँ। अजान के लिए कब से मना कर दिया?